Click on the bell icon to watch our latest videos. जितने भी मंदिर होते हैं जो शिल्प शास्त्र से बनाया हुआ अगम शास्त्र में लिखा हुआ है कि मंदिर कैसे बनाना चाहिए, उनमें हमेशा श्रृंगार की मूर्तियां, दाम्पत्य की मूर्तियां जरूर जरूर रहेंगी। अच्छा। जैसे आप कोणार्क में देखेंगे, आप पूरी मंदिर में देखेंगे, तमिलनाडु, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जितने भी मंदिर है हर मंदिर में दाम्पत्य, हस्बैंड वाइफ, मेल फीमेल और इरोटिक एनर्जी की स्टोरी जरूर मिलेगी। अच्छा। किस हद तक वो अलग है, जैसे वो हस्बैंड या अपने प्रेमी के साथ वो खेल रही है, नाच रही है, म्यूजिक में भाग ले रही, इधर शी सिंगिंग और शी इज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट और ही इज सिंगिंग एंड ही इज प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, या वो झूले पे बैठे हुए हैं या बोट राइड कर रहे हैं, रोमांटिकली ईच अदर देख रहे हैं, अलग अलग लेवल, या कंप्लीट सेक्सुअल सीन्स जैसे बेडरूम सीन्स। तो ये शायद मंदिरों को इस्तेमाल कर रही थी बताने के लिए लोगों को कि सेक्स का लोकेशन क्या है अपनी जिंदगी में। केवल अगर 100% केवल सेक्सुअल मूर्ति होती तो मतलब आपकी जिंदगी केवल भोग की है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, सिर्फ 10% रखा गया है कि देखो धर्म भी करो, अर्थ भी कमाओ, पैसे भी कमाओ, युद्ध पे जाओ, अपना धर्म का पालन करो, कर्तव्य जो भी तुम्हारे हैं, तुम्हारे जो दायित्व हैं उसको निभाओ, और सेक्स का सेवन भी करो अपनी पत्नियों के साथ। और उस जमाने में तो कई पत्नियां थी, उस जमाने में गणिकाएं भी थी, तो अलग दुनिया थी वो, उसका भी सेवन करो, लेकिन हर चीज का एक प्रपोर्शन में, इसका एक मात्रा होता है। और एक मात्रा के हिसाब से आई थिंक वो ये मंदिर वही दर्शाते हैं। देवलोक विद देवदत्त पटनायक सीजन 2 अब एक किताब के रूप में।